गण और सभी प्यारे छात्रों को धन्यवाद कि आपने आज का जो दिन है बहुत बढ़िया सेलिब्रेट किया और सभी बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी जो है अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का और हम लोगों का, टीचर्स का नाम इसी तरह रोशन करते रहे। ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी जब हमने स्टार्ट की थी तो कुछ कारवा इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ बच्चों से हमने शुरुआत किया, जो आज कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे जिस तरीके से हम सेलेक्ट करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और साथ साथ वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसा देखती आई हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि हमारे टीचर्स का सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो बच्चे तो सिलेक्शन लेते ही हैं, जबकि हमारी डिफेंस एकेडमी से ऐसे बच्चे भी सिलेक्शन प्राप्त करते हैं जो कहते हैं कि मैम आते ही मैम पास तो हो जाऊंगा ना मैं, मतलब उनका डाउट रहता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है मैम पास तो हो जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें से हमारा दिलीप सिलेक्शन अभी प्राप्त किया है, जब रिजल्ट आ गया था उस दिन भी सर को कह रहा सर कंफर्म है ना मेरा नाम, ये मेरा ही नाम है या किसी और का नाम है। तो यानी सर से वो दो तीन बार कंफर्म कर रहा था, सर अब ये बताइए मैं अपने घर पे अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हम लोग जब सेलेक्ट कराते हैं तो रियल फैक्ट है कि हमारे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, है ना, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जिसमें से एक आपका स्टूडेंट है राम निवास, हाँ बेटा साई राम, साई राम, तो ऐसे बच्चे जब पास होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। और आज का जो दिन था उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आना था, कोटा जो एआरओ की भर्ती के काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हमारा स्टूडेंट था कुलदीप, अभी उसकी ट्रेन थी तो वो चला गया है। उसके अलावा जितेंद्र हमारा एक स्टूडेंट है जो कोटा एआरओ की भर्ती से क्वालिफाई किया है, उसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है और अब वो ज्वाइन करने चला गया है। उसके साथ साथ हमारा एक और स्टूडेंट था भीमा राम, तो आज के जो है सेशन में वो नहीं आ पाया है। तो मैं उन सभी बच्चों को भी सम्मान जो है देती हूँ कि आप सभी जो है फ्यूचर में आगे बढ़े। उसके अलावा एक और स्टूडेंट था मग सिंह, जो आर्मी जीडी के अंदर सेलेक्ट हुआ है, वो भी आज नहीं आ पाए हैं। उसके साथ साथ ईश्वर सिंह भी एक स्टूडेंट है जो नहीं आ पाया है, और यशपाल, यस यशपाल भी नहीं आ पाए आज के सेशन में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ओम सिंह भी नहीं आ पाया है, तो ओम सिंह को भी मैं, आप अगर लाइव सेशन देख रहे हो तो आपको भी मैं स्वागत करती हूँ और उसके साथ साथ आपको सम्मान समारोह में उपस्थित होने का वेलकम दिया था, लेकिन आप जो है उपस्थित नहीं हो पाए। और उसके अलावा रफीक खान भी आज के सेशन में नहीं आ पाए। इमरान जो है, देखिए ये जो संख्या है वो बढ़ती ही जाएगी आज के सेशन में। रविंद्र बिश्नोई भी नहीं आ पाया, रविंद्र बिश्नोई हमारा टेक्निकल ग्रुप से सेलेक्ट हुआ है। रफीक जो है वो आपका यानी आर्मी क्लर्क में सेलेक्ट हुआ है। उसके अलावा मग सिंह जो है आर्मी जीडी के थ्रू यानी आर्मी जीडी में सेलेक्ट हुए हैं। तो इन सभी बच्चों को मैं स्वागत करती हूँ, उसके साथ साथ आपको सम्मान जो है प्रदान करती हूँ। और आज का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा, जो बच्चे उपस्थित रहे उन सभी को मैं यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहिए। तो फिर और आपके आने वाले जो दोस्त हैं उनको भी आप ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी के बारे में बताते रहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बड़ा होर्डिंग जरूर लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, रियल फैक्ट है, मैं और सर राजस्थान से नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो मिला वो हमें छात्रों के थ्रू ही मिला। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही बच्चों से हमने शुरुआत की थी और आज देखिएगा कि जो कुछ बच्चे थे उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आज सिलेक्शन हमारे, जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे फील्ड में, मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैंने एलडीसी के अंदर भी, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए, बैंक के अंदर, एसएससी के अंदर, आरएएस के अंदर, बहुत सारे फील्ड में हमने दिए सिलेक्शन। उसके बाद हमारा जो कारवा
आगे बहुत ज्यादा प्रगति के साथ बढ़ा वो था हमारा डिफेंस के अंदर। तो डिफेंस के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारा पूरा आर्मी क्लर्क के अंदर बैच का बेस्ट सिलेक्ट हुआ था। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो है किस तरीके से ग्रेड अप डिफेंस एकेडमी से कनेक्ट हुए, तो सिंपल सी बात है, दो स्टूडेंट से चार स्टूडेंट और चार स्टूडेंट से पांच। अगर आप हमारे सिलेक्शन का रेशो देखते हैं तो हम यही करते हैं कोशिश कि हमारे पास जो बच्चा आया है, जो छात्र आया है, वो सिलेक्ट होकर जाए। और उसके लिए हमारा स्पेशल जो है फोकस सभी स्टूडेंट्स के पास जो है रहता है। और बहुत सारे जो अभी मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट रहता है कि मैम हम हो जाएंगे, तो उनका ये जो डाउट है मैं कॉन्फिडेंस में बदलने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से आज स्टेज पे आके बच्चे पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और बहुत अच्छा जो है बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपके भाइयों के साथ अगले फिर सेशन में। अब